मोबाइल गुरु में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एमटेक मोबाइल है, एमटेक जिसका मॉडल नंबर है टर्बो 4G, एमटेक का ये हैंडसेट है। इसका FRP कैसे अनलॉक करना है इसके बारे में हम देखेंगे। तो ठीक है, सबसे पहले इसको हम हैंडसेट को बैटरी निकाल के डालेंगे और उसके बाद इसका वॉल्यूम बटन, प्लस वॉल्यूम बटन और पावर की एक साथ में दबाएंगे इस तरह से। और जैसे ही आपका पीस ऑन होगा, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डाउन वॉल्यूम इज़ ओके, तो मतलब ये तीन ऑप्शन इसमें दिए गए हैं, उस पर आप जाकर डाउन बटन दबाएंगे तो ओके होगा। दूसरे हैंडसेटों में क्या जो पावर की वो ओके होता था, लेकिन इसमें डाउन है, तो हम अप वाले बटन से रिकवरी मोड पे जाएंगे। रिकवरी मोड पे जाकर इससे डाउन बटन दबाएंगे, ठीक है, जिससे क्या होगा हमारा ये हैंडसेट है ये रिकवरी मोड पे चला जाएगा। ये देखिए अब ये रिकवरी मोड पे जा रहा है, थोड़ा सा वक्त लेगा ये रिकवरी मोड पे जाने के लिए। ये देखिए रिकवरी मोड जाने के बाद हम इस पे पावर की और वॉल्यूम प्लस की एक साथ में दबाएंगे। अभी इसके ऑप्शंस नहीं आ रहे ना वाइप डेटा के, तो इसके लिए हम ये दोनों बटन एक साथ में इस तरह से दबाएंगे। देखिए ये आ गया आपका ऑप्शन, और इसके बाद डाउन बटन से हम जाएंगे वाइप डेटा फैक्ट्री रीसेट। तो इस पे जो सिक्योरिटी लॉक की समस्या है उसे रीसेट करने के लिए हम इसे दबाया, ये ऑप्शन पे जाकर हम इसे ओके बटन दबाएंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर से डाउन पे जाकर डिलीट ऑल यूज़र डेटा, ठीक है, उसके बाद ओके। ये आपका जो डेटा है वो यहाँ पे फॉर्मेटिंग इस वक्त अब हो चुका है, और यहाँ पे इसे हम ओके दबाकर रिबूट कर लेंगे, ठीक है। रिबूट होने के बाद हम लोग देख लेते हैं वो जो समस्या थी इसमें पैटर्न लॉक की, वो दूर हुई है या नहीं। ये आपका हैंडसेट ऑन हो रहा है, वाइप डेटा होने के बाद ये बूट होने में थोड़ा सा वक्त लेता है दोस्तों, क्योंकि इसके जो सारे एप्लीकेशन हैं वो फिर से एक बार रीइंस्टॉल होते हैं, इसलिए ये स्टार्ट होने में थोड़ा सा वक्त लेता है। ये यहाँ पर ये देखिए पीस अब ऑलमोस्ट इसका जो बूट का प्रोसेस है वो ख़त्म हो गया है। ये देखिए ठीक है, अब ये आपका एकदम नॉर्मल तरीके से पीस चालू हो गया है मोबाइल आपका, ठीक है दोस्तों। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और मेरा ये वीडियो आपके लिए कितना है हेल्पफुल है इसे कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि मैं और भी वीडियो आपके लिए लाता रहूं। और मेरे डेली अपडेट्स रहते ही हैं दोस्तों, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाएं, जिससे मेरा जो वीडियो है सबसे पहले आपके पास पहुँचे। थैंक यू दोस्तों।